यार भाई लोग कैसे हो सभी आप लोग अच्छे होंगे भाई। आज हम ड्रैगन बॉल सुपर के चैप्टर 57 को देखने वाले हैं। आखिर इस चैप्टर में क्या क्या हुआ। हाँ भाई लोग इधर बता दो कि मैं इस चैप्टर का कम से कम मांगा के पेजेस यूज करूंगा। यार मेरे पिछले वीडियोस में कॉपीराइट क्लेम आ चुका है, स्ट्राइक नहीं आया है क्लेम आया है। और शायद तुम लोगों को पता ही है मांगा के इमेजेस यूज करने से स्ट्राइक भी आ सकता है, इसलिए मैं कम से कम इमेजेस यूज करने की कोशिश करूंगा। तो यार अब बिना पकाए चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार भाई लोग इस चैप्टर का शुरुआत होता है लुकआउट से। तो बुलमा ची ची डेन डे मिस्टर पोपो तो मॉनिटर से देख रहे हैं कि धरती पे जो लड़ाई हो रहा है उसमें कौन जीत रहा है। तो बाद हम देखते हैं कि किलन की फाइट अभी भी कुंफू पांडा से चल रहा है, जिसके बाद किलन बहुत सारे डिस्ट्रैक्ट और जिससे मोरो के इस कुंफू पांडा के ऊपर हमला करता है और वो किलन का अटैक ही उस पर रिफ्लेक्ट कर देता है। और अचानक कुंफू पांडा के पीछे किलन आ जाता है। वो बोलता है कि वो तो मेरा अपकर इमेज था, जिसके बाद किलन एक की ब्लास्ट अटैक से मोरो के कुंफू पांडा को हरा देता है। इसके बाद हमारे कुंफू पांडा को गैलेक्टिक पेट्रोल वाले पकड़ लेते हैं। इसके बाद किलन मास्टर रोशी के पास चलाता है। रात ही वो देखता है मास्टर रोशी अभी भी उन तीनों लड़कियों को हरा नहीं पाए और वो थोड़ा बहुत घायल भी है। ये बुरा लड़की के चक्कर में ही एक दिन मरने वाला है। देखो मास्टर रोशी लड़कियों को कम मत समझो। तब किलन बोलता है कि आप उन ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं करते जो कि आपने टूर्नामेंट ऑफ पावर में चिरन के खिलाफ किया था, तब तो आप इन लड़कियों को बहुत ही आसानी से हरा सकते हो। तब मास्टर रोशी बोलता है कि हाँ बात तो सही है, पर मेरे मन में कुछ और चल रहा है, इसलिए मैं पूरा पोटेंशियल यूज नहीं कर पा रहा हूँ। और किलन बोलता है वो तो मैं समझ गया इधर क्या चल रहा है यार, ये ठरकी बुढ़ाओ कभी नहीं सुधरने वाला। ये बुढ़ाओ मतलब नहीं बोलूँ आप बुढ़ा हो चुके पर ठरकी बनती नहीं क्या। ये सब चीजें किलन ने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ ठीक है। इसके बाद हम टीएन और चाचू को रोबोट से लड़ते हुए देखते हैं। तभी टीएन को समझ आता है ये शख्स फीवर 6 के मैगेटा की तरह है। वो चाचू बोलता है तो फिर हमें इसको इंसल्ट करना चाहिए क्योंकि वही उसकी कमजोरी है। और टीएन इसको इंसल्ट करने की कोशिश भी करता है पर वो घंटा इसको इंसल्ट नहीं कर पाता। इसके बाद चाचू नीचे से चिल्लाता है वो ऑक्टोपस तू बस एक कचरा है। सुन के वो रोबोट जमीन पे गिर जाता है, मतलब चाचू ने अच्छी तरीके से रोबोट को इंसल्ट किया, इसकी वजह से ये रोबोट हार गया। और इधर टीएन तीन तीन आंख लगे घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाया। लुकआउट में बुलमा और बाकी लोग काफी खुश हैं कि जी फाइटर्स जीत रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर रोशी आंखों में पट्टी लगा के इन तीनों लड़कियों से लड़ता है। अब अगर तुम लोग कंफ्यूज हो कि मास्टर रोशी आंखों में पट्टी लगा के इन तीनों लड़कियों से क्यों लड़ रहा है, तो इसका सिंपल आंसर है ठड़क। ये बुढ़ा अगर आंख में पट्टी नहीं लगाएगा तो इसका ठड़की पंथी फिर से जाग उठेगा, इसकी वजह से वो लड़ाई में फोकस नहीं कर पाएगा। और आंख में पट्टी लगा के मास्टर रोशी इन लोगों को अब धोने लगता है। ये तीनों तो समझ ही नहीं पाते आंख में पट्टी लगाने के बाद ये बुढ़ाव इतना अच्छा कैसे लड़ने लगा। अब बेचारी इन लड़कियों को क्या पता ये बुढ़ा पहले लड़ाई नहीं कर रहा था, बस ठरकी पंती कर रहा था। इसके बाद वो तीनों मास्टर रोशी और किलन को बोलता है तीनों के पास अभी एक स्पेशल मूव है। किलन कन्फ्यूज हो जाता है कि अब इनके पास कौन सा मूव है। तभी वो तीनों फ्यूज कर लेते हैं और एक क्या कह सकते हैं इनको आंटी, यही बोलना सही रहेगा। तो फ्यूजन के बाद ये तीनों एक आंटी में बदल जाते हैं और उन तीनों का फ्यूजन यानी कि ये आंटी मास्टर रोशी और किलन को डोमिनेट करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मोरो को जो कि अपने सीप से छलांग लगा कर बैटल फील्ड में जाता है। इधर हम देखते हैं बैटल फील्ड में एंड्रॉइड 17 और एंड्रॉइड 18 73 को काफी अच्छे से धो रहे हैं। और आखिर में एंड्रॉइड 17 एक किक मार के 73 को दूर भेज देता है। तभी वहाँ पे मोरो आ जाता है और 73 को पकड़ लेता है और वो बोलता है कि मैंने इसको कहा था मेरे एबिलिटीज ज्यादा यूज ना करे। जिसके बाद सिमरिका बोलता है कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो शायद हम मारे जाते हैं। अभी मोरो 73 को फेंक देता है और बोलता है ठीक होने के बाद शायद ये हमारा मदद कर सके। उसके बाद मोरो चारों तरफ देखता है और वो वेजिटा और गोकू को ढूंढने की कोशिश करता है। अभी गोहन बोलता है कि जब तक वो दोनों यहाँ पे नहीं है तब तक ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो धरती को बचाए। उसके बाद मोरो का एक और चमचा आगे आता है और बोलता है माय लॉर्ड मुझे मौका दीजिए इन लोगों से लड़ने का। तभी मोरो बोलता है हाँ बिल्कुल और वो इस वॉरियर को एनर्जी भी देता है। उसके बाद वो वॉरियर जोन से नवल जाता है, मतलब उसका मसल और उसका हाइट दिगना हो जाता है, नहीं मतलब थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। वो वॉरियर हमारे जी फाइटर्स के ऊपर हमला कर देता है, मतलब इधर एक बात तो क्लियर हो जाता है मोरो एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर वो अपने एनर्जी को उसके साथ शेयर भी कर सकता है। जो भी हो वो वॉरियर हमारे जी फाइटर्स के साथ लड़ता है, सब एक साथ आके भी उसको टक्कर भी नहीं दे पाते। पिकोलो बोलता है मोरो तो बाद में पहले इसको हराओ। उसके बाद हम देखते हैं कि टीएन और चाचू यामचा के पास चलाता है, एक मोरो के आर्मी से पीट रहा था। और अभी चाचू यामचा और टीएन ये तीनों मिलकर बिना बाल वाले एलियन से लड़ने वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो आंटी किलन और मास्टर रोशी को ढूंढते हैं और ये आंटी अभी इतना ज्यादा ताकतवर बन चुका है किलन और मास्टर रोशी इससे छुप रहा है।
इधर स्पेस में गोकू को ये महसूस हो जाता है कि उसके सारे के सारे दोस्त अभी खतरे में हैं। इधर किलन क्या कहता है, वो एक पहाड़ी के ऊपर चला जाता है और अपने एनर्जी को बढ़ाने लगता है। गोकू इस चीज को नोटिस कर लेता है, वो जल्दी से इंस्टेंट ट्रांसमिशन की टेक्निक को यूज करता है। अभी हम देखते हैं कि इसकी वजह से आंटी किलन को ढूंढ लेता है, किलन के ऊपर हमला कर देता है। तभी उस आंटी के ऊपर भी कोई हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो आंटी दूर जाके गिरता है। और तभी हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं गोकू है। फाइनली गोकू धरती पे वापस आ चुका है और चैप्टर 57 यही पे खत्म हो जाता है। तो भाई लोग यही था चैप्टर 57 का पूरा स्टोरी। मुझे ये कमेंट करके बताओ कैसा लगा तुम्हें ये स्टोरी। भाई चैप्टर 57 के एंडिंग में तो गोकू भी वापस आ चुका है। गोकू के लिए तो एक लाइक तो बनता है यार। प्लीज यार अपने भाई के वीडियो को लाइक कर दो और हाँ वीडियो को शेयर भी कर दो, तुम्हारे दोस्त भी चैप्टर 57 के स्टोरी को जान पाए। और अगर चैनल पे नए हो, तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब तो कर लो यार। ऐसे ही अगर ड्रैगन बॉल के वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब तो करो। सब्सक्राइब अब बात सुनो, तो देखो बगल में एक घंटा है तो ऊपर क्लिक करके उसको ऑल पे सेट कर दो ताकि तुम्हें अपलोड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। तो यही था आज का वीडियो, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।